विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि का जो आधार है, जो हेतु है, जो कारण है, वो है प्रभु। संसार किसने बनाया? बोले परमात्मा ने। संसार कौन चला रहा है? ईश्वर ही चला रहा है। और इस संसार का लय भी एक दिन जब हो जाता है तो कहां होता है वो लय? तो कहा परमात्मा में ही हो जाता है। सारे संसार की उत्पत्ति भी वही करता है, पालन भी वही करता है और संहार भी वही करता है। सब कुछ कर ही करा ही बंद ही सोई, सब कुछ करने कराने वाले ईश्वर ही हैं साहब। हम आप तो एक माध्यम होते हैं, बाकी करने कराने, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर है। परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है भाई। जब दुनिया बनाने वाला भी वही है और दुनिया बनने वाला भी वही है, हाँ, और तो कोई मटेरियल उसके पास था नहीं, और तो कोई वस्तु थी नहीं उसके पास। संसार को किस चीज से बनाया? खुद ही संसार बना। इसलिए सर्वत्र जो कहा जाता है परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा नहीं, सर्वत्र परमात्मा ही है। नदियां, वृक्ष, पर्वत, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब कुछ वही तो बना है। हमारी दृष्टि जहां भी जा रही है सब जगह परमात्मा ही है साहब। इसलिए भगवान रामानुज कहते हैं कोई भी वस्तु का पहला अर्थ जो होता है वो परमात्मा होता है। अब घड़ी कोई हाथ में ले और पूछे कि भाई घड़ी का मतलब क्या है, तो घड़ी का पहला जो मतलब है वो परमात्मा ही। बाद में आप कोई भी अर्थ उसका लो, क्योंकि संसार में जो भी वस्तु है सब परमात्मा ही है। भाई कुम्हार के पास जब मिट्टी ही ना होगी तो घड़ा कैसे बनाएगा? परमात्मा तो एक ही था ना, कुछ और तो था ही नहीं उसके पास, तो संसार बनाया किससे? बोले किसी और से नहीं, वो खुद ही संसार बना। वही धरती, वही आकाश, वही वायु, वही अग्नि, वही आकाश, सब कुछ वही बना। तो परमात्मा ही जगत करता है, जगत नियंता है और जगत आधार है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। एक बार जो उनकी शरण में चला जाता है ना, उसके त्रिविध ताप भगवान हर लेते हैं। एक बार कोई उनकी शरण में चला जाए, सारे दुख परमात्मा खुद हर लेते हैं साहब। इसलिए तो लोग मंदिरों की ओर भागते हैं, क्या कारण है? हाँ, और ऐसा नहीं कि लोगों को मिलता नहीं है, ये दुनिया पागल नहीं है साहब। बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे हो गए, बड़े बड़े बुद्धिमान हो गए, जब कोई राह नहीं दिखता है ना, तब एक ही याद आती है परमात्मा की, हारे को हरि नाम। दुनिया के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, तब एक ही रास्ता दिखाई देता है, अब तो प्रभु की शरण में चलो, और वही हमारी रक्षा करता है। दिखाई न दे लेकिन फिर जो हमारे साथ होता है, हाँ। और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं हर मौके पर दिखाई देते हैं, विपत्ति काल में वही नहीं दिखाई देते। रोज रोज जो दिखाई देने वाला है, मुसीबत पड़ने पर वही गायब हो जाता है, मोबाइल भी बंद करके बैठ जाता है। लेकिन जब दुनिया का कोई भी नंबर न लगे ना, तब माला पर 108 नंबर लगा लेना, वही गोविंद का नंबर है साहब। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।